वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे केपीपीएससी में जो जॉब है, बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में जो जॉब्स आई हैं उसके मतलब। ठीक है, तो चले चलते हैं जॉब की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो चले जी चलते हैं ये जॉब्स की तरफ। तो जी चले चलते हैं जॉब्स की तरफ। तो बेसिकली ये जॉब्स हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स आई हैं उनके मतलब कि बेसिकली डिफरेंट जॉब्स हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 दिसंबर 2019 5 बजे, यानी कि 5 PM मतलब 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब इन जॉब्स के लिए। ये जी सबसे पहले जो जॉब है वो है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की है और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की है। स्केल 16 और 17 है, वैकेंसी सबकी 1 ही 1 ही है। दूसरी जॉब है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, डेटाबेस मैनेजर की 18 स्केल है और वैकेंसी 1 है। नेटवर्क मैनेजर की 18 स्केल है और वैकेंसी 1 है। डायरेक्टर जनरल फिशर्स की है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्केल 16 है और वैकेंसी 4 है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट की है, स्केल 14 होगा, वैकेंसी 1 है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब है वो है सब अकाउंटेंट फीमेल कोटा, सब अकाउंटेंट डिसेबल कोटा। ठीक है, उसके 15 ही होगा सबका और सब अकाउंटेंट की 8 वैकेंसी है और बकाया दोनों की 1-1 वैकेंसी है। फूड डिपार्टमेंट जो अकाउंटेंट भी है स्केल 16 है, वैकेंसी 2 है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है 16 स्केल है और 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की है 14 स्केल है और वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स की है 14 इसका स्केल है और 1 वैकेंसी है और माइनॉरिटी का बेसिकली ये कोटा है। आगे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जॉब है, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर स्केल 17 है, 23 वैकेंसी है। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर माइनॉरिटी कोटा 17 स्केल है और 4 वैकेंसी हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर फॉरेस्ट्री 16 स्केल है और 5 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 16 स्केल है और 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट 16 स्केल है और 2 वैकेंसी है। जूनियर इंस्ट्रक्टर लॉ 16 स्केल है और 1 वैकेंसी है। लेक्चरर इन फॉरेस्ट्री 17 स्केल है, 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एन टी एफ पी स्केल 17 है और 2 वैकेंसियाँ हैं। असिस्टेंट फॉरेस्ट इंजीनियर स्केल 17 है और 2 वैकेंसियाँ हैं। असिस्टेंट फॉरेस्ट जेनेटिक्स 17 स्केल है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट 17 स्केल है, 1 वैकेंसी है। फॉरेस्ट के असिस्टेंट फॉरेस्ट के लिए जी 17 स्केल है, 1 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर के लिए 17 स्केल है, 3 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर 17 स्केल है, 1 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर जी वाटरशेड साइकोलॉजी 17 स्केल है और 1 वैकेंसी है। ये मतलब कि डिफरेंट रिसर्च ऑफिसर डिफरेंट कहने के डिपार्टमेंट के लिए इनको चाहिए और सबकी तकरीबन 1 वैकेंसी है। ये जो है मेंस्ट्रुएशन इसकी जी 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये आपको इसका लिंक जो है ना उसमें मिल जाएगा, इसका लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस किस जॉब के लिए कौन कौन सी जॉब है। ठीक है, ताकि जो भी आपसे रिलेटेड हो वो आप लोग पढ़ के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हेल्थ डिपार्टमेंट केपीके, उसमें जी डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट की है। आगे जी हेल्थ डिपार्टमेंट केपीके में भी डिफरेंट वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट की। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजी और स्किन, चिल्ड्रन गायनेकोलॉजी, गायनी की सर्जरी, मेडिसिन। तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं, 14 वैकेंसी है, 38, 19। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं और ये आप लोग देख, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जॉब है जो कि आपके लिए आपको सूटेबल है, तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ वैकेंसीज हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद केपीपीएससी जॉब्स 2019 इन हायर एजुकेशन अचीव्स एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये चीज़ जॉब्स हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट जॉब फीमेल लेक्चरर इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियन और ये डिफरेंट जी लेक्चर जियोग्राफी लेक्चरर इंग्लिश फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैकेंसीज हैं कि ये भी आप लोग सारी की सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, होम एंड ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। इंडस्ट्रियल कॉमर्स में माइनरल डीव लेबर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जी ये इस डिपार्टमेंट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी जॉब्स हैं, 3 पोस्ट हैं डिफरेंट। इरीगेशन डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट में जी 8 पोस्ट हैं डिफरेंट, अप्लाई कर सकते हैं। इन पर भी आप लोग 17 स्केल होगा। आगे लेबर डिपार्टमेंट है,
इसमें जी दो वैकेंसी दो पोस्ट हैं बेसिकली। फिर इसके बाद जी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड आर्ट डिपार्टमेंट, इसमें जी पांच पोस्ट हैं। आगे माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, इसमें जी चार पोस्ट हैं। आगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें एक पोस्ट है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस में बेसिकली दो पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये जी सबसे लास्ट जो सी थी ना वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस में जॉब्स हैं जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स सब में इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये सारी सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ इस पेज पर आकर चेक कर सकते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हो आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी एडवर्टाइजमेंट जो है वो यानी कि जो अब तो जी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 17 दिसंबर 2019 आपने करना गया है। आपने केपीपीएससी ठीक है केपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। तो जी आपने करना क्या है, आपने केपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी इसके फीस वगैरह होगी वो आपने बैंक में चलान फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल करके तो सबमिट होगा, इसके बाद आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी ये थी न्यू डेट है पख्तूनख्वा में जो न्यू जॉब्स आए उसके मुताबिक। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अल्लाह हाफिज़।